तो हाँ जी, क्या हाल चाल? तो भाई Vivo Ready अपने S18 सीरीज को लॉन्च करने के लिए, जिसके अंदर तीन स्मार्टफोन है। अब सीरीज का नाम बोला तो तीन तो होंगे जरूर, जाहिर सी बात है एक स्मार्टफोन तो होने वाला नहीं है। तो तीन स्मार्टफोन है, नाम है Vivo S18, Vivo S18 Pro, Vivo S18e। ये तीनों ही स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, लेकिन आज मैं बात करूंगा Vivo S18 Pro के बारे में। इसकी फर्स्ट लुक, यानी कि स्केच इमेज, फर्स्ट लुक नहीं कहेंगे, इसका फर्स्ट स्केच इमेज सामने आ चुका है। दिखने में कैसा होगा, कैमरा कैसी होने वाली है, प्राइस क्या होगी जब इंडिया में लॉन्च होगी, और इंडिया में डेफिनेटली लॉन्च होगी, यानी कि नाम इसका बदल जाएगा। पहले बताया गया था कि Vivo V30 के नाम से होगा, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं हो सकता है Vivo V31 के भी नाम से लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल अभी नाम से लेकर भी कुछ ऐसा अपडेट है नहीं। इंडिया में के बाद कुछ पता चलता है, यानी भारत में लॉन्च होगा Vivo V30 या 31 के नाम से, वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ट्विटर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन मन में सवाल है कि कब तक लॉन्च होगी। देखिए, बताया जा रहा है कि चाइना में तो ये डेब्यू कर जाएगी इस नेक्स्ट मंथ दिसंबर में, आपको देखने को मिल जाएगा चाइना में, लेकिन उसके 2-3 महीने बाद, मान के चलिए फरवरी के लास्ट मार्च तक आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। खैर, इंडिया लॉन्चिंग बारे पता भी है नहीं, पता चलेगा अपडेट करूंगा। लेकिन देखते हैं कि Vivo S18 Pro कैसा होने वाला है, दिखने में कैसा हो सकता है, क्या स्पेक्स होगी, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे बेनिफिट यहाँ मिल जाती है। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूँ। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि Vivo S18 Pro में क्या खास होने वाली है, क्या स्पेक्स होगी, क्या कैमरा होगा, क्या प्राइस पॉइंट होगी, इंडिया में लॉन्च होगी। तो शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। नो डाउट ग्लास बिल्ड ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, ग्लास का बैक होगा, एल्युमिनियम फ्रेम के साथ ग्लास फ्रंट देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल है कि फ्रंट में किस चीज का प्रोटेक्शन होगा। अब बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें फोन की वेट की, तो समवेयर अराउंड 188 ग्राम, थिकनेस 7.46 mm, साथ ही आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल सकती है, ये बताया जा रहा है। अभी लीक्स रूमर्स है, चेंज भी हो सकती है, तो देखा जाए तो अच्छी चीज़ है भाई साहब। फोन स्लिम भी है, वेट भी हल्का है यहाँ पर, प्लस IP68 की रेटिंग मिल लीजिए, धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट कर देगी। अब बात करते हैं डिजाइन देखने में कैसा होगा। तो बात करते हैं डिजाइन की। देखिए, सामने जो स्केच आया हुआ है, देख के ना दूसरे स्मार्टफोन का याद आएगा। अभी हाल ही में मैं उसको वीडियो बनाया भी था, बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन देख के याद आ रही है, आप देखेंगे। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी, और स्क्वायर शेप में आपको LED फ्लैश देखने को मिलेगा, नीचे Vivo की ब्रांडिंग, और फ्रंट की बात करें सेंटर पंच होल के साथ कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी जो आपने डिजाइन देखा वो दो ही कैमरा का दिखाया गया है, लेकिन जब Vivo ये S18 का ये डिजाइन था, 18 प्रो में आपको ट्रिपल कैमरा हाउसिंग देखने को मिल जाएगी। रही बात बॉडी टू रेशियो की, तो बताया जा रहा है कि 92% के आसपास देखने को मिलने वाले, यानी कि वेजस और चीन एकदम पतली सी होगी। कलर्स की बात करें तो कलर्स भी लीक्स हुई है अकॉर्डिंग टू Vivo की तरफ से, ब्लैक, ब्लू, सिल्वर और ग्रीन, ये चार कलर्स होंगे, चारों कलर्स शानदार होने वाले हैं। अब सवाल है, क्या कंटेंट कंज्यूम गेमिंग करने में मजा आएगा। बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ को मिलेगा 6.78 इंच की 1.5K 10-bit का AMOLED पैनल, 2800x1260 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:1 का स्पेक रेशियो, 450 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 2800 nits की पिक ब्राइटनेस, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 300Hz की टच सैम्पलिंग रेट, HDR10+, वाइड बैंड L1 सपोर्ट, तो भाई सब शानदार है। 1.5K का डिस्प्ले है, 10 bits का कलर्स है, कलर्स कंज्यूम मतलब कंटेंट कंज्यूम करने में आपको मजा तो आने ही वाला है यहाँ पर। हाँ, ब्राइटनेस इस बार अच्छी दी गई है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते गेमिंग करते स्मूथनेस फिर नजर आने वाली है। कंटेंट कंज्यूम करने के लिए नेटफ्लिक्स को छोड़ के अमेज़न और यूट्यूब दोनों में ही HDR कंटेंट रख करके देख सकते हैं। अब सवाल है, क्या गेमिंग करने लायक है कि नहीं। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो भाई साहब, इस फोन को शक्ति देगा MediaTek की तरफ से Dimensity 9200+ प्रोसेसर, दमदार प्रोसेसर, बटरी स्मूथ प्रोसेसर भाई साहब, 4 nanometer के फैब्रिकेशन में बनाया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी मस्त रहती है, हीटिंग उसको काफी कम देखने को मिलता है। चलिए देखते कितना पावरफुल है, यानी कि रॉ की तरफ देखते हैं। यहाँ मिलता है 1 Cortex X3 जो कि 3.35 GHz तक क्लॉक किया गया, वहीं 3 Cortex A715 जो कि 3 GHz तक क्लॉक किया गया, वहीं 4 Cortex A510 जो कि 2 GHz तक क्लॉक किया गया है। तो वाकई भाई साहब पावरफुल तो है प्रोसेसर, दमदार प्रोसेसर है। गेमिंग भी अपना 60 FPS तक तो आराम से कर सकते हैं। क्या मिलता है ARM Mali G715 MP 11 GPU, साथ ही LPDDR5X RAM, UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाती है, यानी कि भाई साहब 11 कोर का GPU है, गेमिंग शानदार रहेगा, रीड राइट की स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं
ऑन टोटल स्कोर कितना आया था, 15,34,000 का स्कोर कवर किया था, 15,34,000 के आसपास का स्कोर आया था प्रोसेसर का। अब डिवाइस में कितना आता है पता चलेगा, लिख सामने आएगी, शेयर जरूर करूंगा, एक्स पे जाकर फॉलो कर लीजिएगा। और यहां पर 10 5G बैंड देखने को मिल जाएगा, तो यहां भी अच्छी खासी 5G बैंड देखने को मिलने वाली है। अब भाई साहब यहां पर मेजर इंप्रूवमेंट है, कहां बात करते हैं कैमरा की, यहां को मिलेगा ट्रिपल कैमरा और तीनों ही भाई साहब 50 मेगापिक्सल के ही है। जी हाँ, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी IMX920 सेंसर मिलेगा, वहीं 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस जो कि 3x ऑप्टिकल जूम तक सपोर्ट कर सकती है। अब टेलीफोटो लेंस का 50 मेगापिक्सल का भी ये लीक्स है, हो सकता है 50 मेगापिक्सल मिले, क्योंकि दोनों तो कंफर्म है कि मेन सेंसर 50 का है, अल्ट्रा वाइड 50 का है, ये कंफर्म है, सेंसर भी कंफर्म है 920 सोनी वाला, लेकिन टेलीफोटो में थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर। लेकिन हाँ, रियर से 8K 24fps, 4K 60fps, 1080 240fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि भाई साहब ब्लॉगिंग करने के लिए ना मजेदार स्मार्टफोन होने वाला, क्वालिटी शानदार होने वाली है। रही बात आपके खूबसूरत चेहरे कैप्शन के रिसोर्स होने के लिए, तो ये भी एक लीक से अब इसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया, बताया जा रहा है कि चांसेस है कि 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जा सकता है। देखते हैं कितना भी लीक सामने आएगा बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ 1080 60fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो देखा जाए कैमरा क्वालिटी शानदार तो होने वाली है। लेकिन बात करें बैटरी की, यहाँ मिलेगा 5000mAh की बैटरी, 80 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट, चार्जर बॉक्स में तो देखने को मिली जाता है, बैकअप शानदार निकालेगा, डिपेंड करता है आपको पर कैसे यूज करते हैं। लेकिन बात करें सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा सेंसर में, सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, पुटर, NFC सपोर्ट सब मिलेगा, यूजी टाइप सी पोर्ट मिलेगा, लेकिन बताया जा रहा है इस बार भी ना सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा मुझे खराब लगा भाई साहब, इस बार तो डुअल स्टोरेज पे देना चाहिए था। खैर ये लीक्स है, हो सकता है चेंज हो सकता है। अब आप लोग कमेंट करना भाई साहब, क्या डुअल स्पीकर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पे। और जितना कमेंट करोगे भाई साहब सारे स्क्रीनशॉट लेकर मैं वीवो की तरफ भेजने वाला हूँ, ट्वीट करूंगा कि भाई डुअल स्टोरेज स्पीकर दो इस बार। खैर 3.5mm ऑडियो जैक ना ही कोई कार स्लॉट देखने को मिलने वाली है। लेकिन बात करें सॉफ्टवेयर की, यहाँ मिलेगा लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ डी बॉक्स, साथ ही फ्रंट टच ओएस 14 देखने को मिलने वाली है। और पॉलिसी बताई जा रही है कि 2 साल एंड्रॉइड, 3 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए आई जो भी डिजाइन आपने देखा था ना, वो IQ Neo 9 Pro के साथ मिलता जुलता है। यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, पिछला वीडियो बनाया था मैं, तो डिजाइन वैसे ही देखने में लग रहा है, यानी डिजाइन में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं किया गया है। यदि IQ 12 के बारे में एक आया था कि फ्रंट टच ओएस जो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा इंडिया में, वो ना कोई हॉट ऐप ना हॉट गेम कुछ नहीं होने वाला, ब्लॉडवेयर फ्री होने वाली है, तो उम्मीद है कि इसके साथ भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी चांसेस बहुत ही कम लग रहा है, डिसेंट UI आपको देखने को मिलने वाला है। बात करें वेरिएंट्स की, तो वेरिएंट्स यहां पर अच्छे खासे मिलेंगे, 8+256, 12+256, 12+512, 16+512, ये देखने को मिलेंगे, ऑप्शंस अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। लेकिन सवाल है कि प्राइस क्या होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके 150 का टारगेट है पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ, चैनल परिवार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन क्यों ना करें, मत जाइए, ये आपके लिए फ्री होती है, मुझे यहां बेनिफिट मिल जाती है। खैर बात करें प्राइस की, तो देखिए प्राइस तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 91 वॉइस प्लस बताया जा रहा है कि 52,000 to 55,000 के अंदर देखने को मिल सकती है। प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बताएं कमेंट करके कि डिज़ाइन कैसी लगी, कैमरा क्वालिटी कैसा लगा आपको जो अभी अपडेट आया हुआ है, और प्राइस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताएं कमेंट करके। कमेंट जरूर क्या कीजिएगा, तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, तो ऐसा यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी लग जाता है, रिव्यूज़ में हेल्प हो जाती है। और हाँ, कमेंट ऑफ द डे देख के जाइएगा, क्या आप में से किसी का भी नाम कमेंट ऑफ द डे में आया है, हाँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पिन जरूर मैं कर दूंगा। खैर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.